बारह महीने ही हाल जी यहाँ पर, कोई सफाई नहीं कोई कुछ नहीं। जितना जमींदार है यहाँ अपना पैंट बुशर्ट पहन के घूमते, कल आ जाऊंगा वापिस में। तो जमींदार काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। कहेंगे तुम्हारा चालान काट देंगे, इसके धमकी देके चले जाते हैं। चालान काट देंगे, सफाई नहीं करेंगे। हाँ, ये चालान काट देंगे ये। अब ये बताओ इसको कौन आदमी कहाँ ले जाए। बिजली इतनी महंगी आ रही, गुजारा करना भारी हो रहा कमर्शियल में, और काम एक पैसे के नहीं। न नाली सफाई हो रही, न रोड सफाई हो रही है। भैया नाले में पानी गोबर मत डालो। अच्छा, गोबर मत डालो तो भैया इसका कुछ बनाओ ना। तो आगे कहाँ डालें? आजकल गोबर से क्या नहीं बनता, पेपर बनता, खाद बनती, क्या करनी है, प्लांट लगे हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट इसका करे ना कुछ उपाय, करे दोबारा रीयूज करे, इसको रीयूज करे। अब तो बस जिंदगी खराब है, लोग मर रहे हैं यहाँ पे बीमारी की वजह से। बीमारी हो रही है इससे, जब गंदगी। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं छिलको दिल्ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर डेयरी फार्म में, और आप देख सकते हैं इस डेयरी फार्म का क्या हाल यहाँ पर हो रखा है। किसी ज़माने में सरकार ने दूध के व्यापारियों को ये मार्केट अलॉट की थी ताकि वो अपना काम, अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि पशुपालकों के लिए आने वाला चारा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, तो वहाँ पर रिहायशी इलाकों में दिक्कतें होती थी, छोटी गली होती थी, आम जनता को जो वहाँ रहती थी उन्हें भी बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए ये पूरा कमर्शियल तरीके से बड़ी बड़ी गलियाँ, चौड़ी गलियाँ, एक फार्म बनाए गए थे ताकि वो अपना दिल्ली और दिल्ली से बाहर दूध और उससे संबंधित उत्पाद को, यानी डेयरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मक्खन, छाछ, पनीर, ये सब चीज़ें सप्लाई कर सकें। लेकिन उस डेयरी फार्म का आप देखिए ये क्या हाल हो रहा है। ये इलाके का पूरा हाल है, यहाँ पर लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। तो आपके यहाँ फार्म में? हाँ जी, फार्म में डेयरी है। ये जिस हिसाब की गंदगी आप देख रहे हैं, क्या यही हाल यहाँ का बना रहता है? बारह महीने यही हाल है जी यहाँ पर, कोई सफाई नहीं कोई कुछ। तो सफाई के लिए कोई अलर्ट हुए हैं कर्मचारी, क्या है मतलब आते नहीं? कुछ नहीं जी, यहाँ पर कोई आता नहीं है, सिर्फ जो डेयरी वाले उनको खुद करना पड़ता है। अच्छा, वो यहाँ गायें जो है घूमती रहती हैं, और वो जो है सारा बस उनकी वजह से ही होता है। तो यहाँ आप आते हैं, पैदल चलते हैं, बाइक पे आते हैं, तो अरे हम तो गिर गए, हमारे तो चोट भी लग गई कई बार। अक्सर होता रहता है? अक्सर नहीं, जब जब कीचड़ होती है तब तब ये होता है। तो यहाँ प्रशासन या विधायक पार्षद इस चीज़ को लेकर कुछ करते नहीं? कुछ नहीं जी, यहाँ का कुछ सुधार हो ही नहीं रहा। अच्छा, नालियाँ भी बंद रहती होंगी जब सड़कों का ये हाल है? हाँ, नालियाँ भी बंद रहती हैं। अच्छा, ये और बताएं। तो व्यापारी आप मतलब सामान दूध देने खुद जाते हैं, व्यापारी आते हैं यहाँ पर? नहीं, कुछ तो व्यापारी आते, कुछ देने जाना पड़ता है। लोग तो आते हुए बचते होंगे इन इलाकों में? आते ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं आता है ऐसे में। वैसे ही इस टाइम काम नहीं है, व्यापार को लेकर सब परेशान है, और ऐसे में जब बाहर का व्यापारी भी यहाँ से लगातार बचेगा, ये यहाँ की आम जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के व्यापारी। और आगे चलता हूँ, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, मल का अंबार लगा हुआ है, बड़ा बुरा यहाँ का हालत है। आगे बड़ा ट्रक है, चारे का ही ट्रक है, सब चीज़ें मिलने के बाद ही बहुत ज़्यादा गंदगी पैदा करती हैं, बदबू का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रहते भी हैं, क्योंकि लगातार काम करते हैं तो उनका रहना यहाँ पर मजबूरी है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूसे का ट्रक खड़ा हुआ है, उस ट्रक के बाद एक छोटी सी जगह यहाँ बच रही है जिसके अंदर मल का आप देखिए कितना बुरा भरा पड़ा है। क्या आप देखिए लोग यहाँ से निकल रहे हैं, किस तरीके से निकल रहे हैं बच बच के। हालांकि जो लोग लगातार निकलते रहते हैं उन्हें तो आदत हो गई, लेकिन हम जैसे लोग या और जो यहाँ लोग आते हैं उनका क्या हालत होती होगी। गिरने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं, कपड़े ख़राब होना सनने की पूरी है। कौन इसका जिम्मेदार है? कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहीं आप काम करते हैं? यहीं काम करते हैं। बोलो, यहाँ की क्या स्थिति ऐसी बनी रहती है? ऐसी ही रहती है हमेशा। ये जो मल है या गोबर है, जाहिर सी फार्म से ही बाहर निकलता होगा? हाँ, फार्म से ही निकलता है, बाहर निकलता है, वो डाल के बाहर यहाँ डाल देते हैं। बाहर नाली जाम होते हैं। अच्छा, नाली जाम होते बाहर निकलते हैं। नाली सफाई करते नहीं बाबू जी, यहाँ जितना जमींदार है यहाँ अपना पैंट बुशर्ट पहन के घूमते, कल आ जाऊंगा वापिस में। तो जमींदार काम नहीं करते? कुछ काम नहीं करते। काम नहीं। तो कोई कहता होगा आप लोग अब क्या करें, कल आ जाऊंगा मैं, कंप्लेन करवा दूंगा और बोलो। अच्छा, और स्थानीय विधायक प्रशासन? कोई कुछ भी नहीं, आप देख रहे हो जैसे तीन नंबर गली में मैं रहता हूँ, C11 है, देखो कितनी कचरा है, इससे भी ज्यादा बुरे हालत। हाँ, C11 अभी तुम निकल भी नहीं पाओगे। बरसात में क्या आता है? अब बरसात में तो और बुरा होता है, लेकिन आपको तो देखो
एक लोगों के अंदाज से बातों से लग रहा है कि उन्हें यहाँ की आदत हो गई, वो इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि कोई इस पे कार्यवाही नहीं होगी, कुछ इस पे सुनवाई नहीं होगी, वो यही चलेगा, जमादार काम नहीं करते, जमादार ये कहते कल आएंगे परसों आएंगे, तो इन्हें भी यहाँ की आदत हो गई कि वो आगे अब शिकायत करें भी तो किससे करें, ये उम्मीद अब उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। फार्म के ओनर हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, अपनी परेशानी को बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम मगन यादव। कितने पुराने आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे भैया कम से कम 18 साल हो गए। अच्छा, तो ये अभी ये नाला जो बना है ये 6 महीने पहले, अच्छा, इसकी ढंग से जो है अंदर से सफाई नहीं हुई, बना के चले गए, यानी पुलिया जो है जो घुसते रोड पर, पुलिया नहीं पूरा कवर कर दिया है ना। अच्छा। पहले ये ओपन था। अच्छा। ओपन था तो डेयरी फार्म के जो पब्लिक थे वो इधर उधर करके फावड़े से पानी निकाल देते थे। अच्छा। अब इसको कवर कर दिया है, कवर करने का मतलब ये है ना, इतने हैवी हैवी उसके ऊपर वो रखे हुए हैं, सिल्लियाँ रखी हैं, वो आदमी से उठने काबिल नहीं है, प्रशासन कोई सुनता नहीं, मशीनों से उठेंगे, हाथों से मशीनों से उठेंगे, और वो अंदर ब्लॉक है, अब ये गली में यह हालत है। डेली यहाँ सफाई करते हैं, मैं खुद सफाई करता हूँ दिन में तो दो बार, मैंने थोड़ा देखा, मैं घूमा, सफाई थोड़ी बहुत आप ही के फार्म की आ गई। डेली साफ करता हूँ, दो बार झाड़ू लगाता हूँ, पाइप लगा के धोता हूँ, दो आदमी आके खड़े होते हैं, कहते हैं भैया गंदगी में रहते हो क्या करें, मजदूरी है क्या, कितनी सफाई कर सकते हैं, सफाई कितनी कर सकते हैं, तो ब्लॉक हो जाता है, यानी पूरे पानी से बरसात में ब्लॉक हो जाता है, बरसात में नहीं वैसे ही ब्लॉक हो जाता है सर, निकासी है ही नहीं। हाँ, निकासी का अंदर नाला ब्लॉक पड़ा सारा, वो जो मेन नाला है वही ब्लॉक पड़ा है, तो छोटी नालियाँ क्या करें। हाँ, अगर वो साफ हो जाए तो ये पानी दरिया की तरफ आगे को फ्लो में जाएगा, फ्लो में जाएगा, तो कौन मतलब इसका जिम्मेदार? आप करके यहाँ पे कर्मचारी नहीं लगा रखे, जमादार नहीं लगा रहे भैया, वो MCD वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि भैया उनका है, कारपोरेशन वालों का काम है, अच्छा DDA का काम है, आगे जाओ, आगे किसके पास, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगातार लगाते हैं, मनाली वाला आता है वहाँ बैठ करके और चले जाते हैं, वो कहते हैं नाला DDA वालों का काम है। आप जो अपना ये आपका गोबर उतारा फार्म से निकाल के बाहर रखते हैं मजबूरी है, कहाँ जाएगा यही होता है भैया, ये सारा नाले में ही जाता है। अच्छा। ये सारा पानी के प्रोसेस है, गल के नाले में आपके जो फार्म से या लोगों के और फार्म से गोबर निकलता है वो कहाँ निकलता है, फार्म से निकल के कहाँ जाता है वो सारा नाले में जाता है, नाले में जाता है, यानी उठाने का और कोई जरिया है? कोई जरिया नहीं है। तो ये यहाँ का है कि एक नाला है वो भी पहले खुला हुआ था, तो जब ब्लॉक हो जाती थी तो पब्लिक आम जनता ही यहाँ की उसको खोल के निकासी का रास्ता बना लेती, लेकिन अब वो इतना पक्का बन गया, इतने बड़े बड़े आपके कंक्रीट के पत्थर रख दिए गए हैं कि वो अब हटा ही नहीं सकते आम जनता, मशीन के जरिए ही हटेंगे, ब्लॉकेज यहाँ पे लगातार बन जाती है, यानी कोई कार्यवाही नहीं हुई, एक दूसरे पे लगातार इल्ज़ाम लगा जाते, तो आप तो इसके अंदर एंटर ही नहीं करते, इस गली में एंटर नहीं कर पाते, कल और बुरा हाल था, बहुत बुरा, इसमें कोई इंटर नहीं कर पाते, आप चले जाते बाहर से देख करके। ये है कि पैसा कमाने के लिए सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिली, बदले में जो कर है टैक्स है वो व्यापारियों से तो ले लिया जाता है। तमाम परेशानी ऐसी है कि आज के दौर में भी जहाँ इतना बड़ा हिंदुस्तान डेयरी के मामले में, डेयरी के व्यापार में बहुत बड़ा योगदान निभाता है, तो वहाँ पर भी उनके साथ व्यापारी के साथ ये व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं हैदर अली कैमरा पर्सन सैफ के साथ झलकू दिल्ली।